मैं निरंतर चलता रहता हूँ। इस संसार में जो भी हुआ मैं उसका साक्षी हूँ। आज मैं आपको इतिहास के उन पन्नों पर ले जा रहा हूँ जहाँ एक वीर बालक ने महज 14 वर्ष की आयु में धर्म की खातिर अपनी जान दे दी। वह था बालक हकीकत। तो आज आपके सामने पेश है किस्सा वीर हकीकत, वीर हकीकत, वीर हकीकत। सन 1728 जिला सियाल पंजाब, पिता सिलोना भागमल, बेटा हकीकत जी, पिताजी पिताजी आज अपने काम पर नहीं जाना जाना है, आज थोड़ी सी देरी हो गई है। भागमल भागमल जी घर पर ही हो? आ जाओ किशन चंद जी, कहो कैसे आना हुआ? अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, भगवान देखो तो कौन आया है। नमस्कार भाई साहब, और बताइए सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है भाभी जी। और बताओ काम काज कैसे है किशन चंद जी? सब बढ़िया भागमल जी। मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल लें। अरे वो कैसे किशन चंद जी, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी देवी का विवाह हकीकत के साथ करना चाहता हूँ। आपने तो मेरी मुँह की बात छीन ली। उन दिनों बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा जाता था और वीर हकीकत को भी पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिल किया गया। आओ लड़को आओ, हाजरी का रोज नाम चलाओ और जो नहीं आया उसका नाम लिखाओ। बहुत खूब मियाँ जी, ये लीजिए। सलीम, गफूर, हसन अली, कासिम। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम सेठ साहिब, आज कैसे आना हुआ? जनाब की खिदमत में खादिम इसलिए आया ताकि आप साहिब जादे को मकतब में दाखिल कीजिए। बहुत खूब बहुत खूब। मौलवी साहब आपके लिए कुछ नजराना लाए, इसे कबूल फरमाएं। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। वीडियो बनता है। साहिब जादे अपना नाम तो बताइए। जी हकीकत राय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आ बेटा, मैं तुझे बिस्मिल्लाह कराता हूँ, पढ़ तो सही जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ। बहुत खूब मियाँ जी, बताइए मैं उसी तरह पढ़ूंगा, आप पढ़ाइए। सभी बच्चे अपने कायदे खोलो। हेलो हेलो वे वे टे 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 हेलो हेलो वे टे 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 टे। सही बच्चे सबको दोहराइए। अलग वे पे थे, अलग वे पे थे। मुल्ला जी जैसे ही जमात से बाहर गए बच्चों में हल्ला मच गया। आओ यारो खेले कूदे हम, लेकर डांगे मार छलांगे कूद पड़ेंगे धम। आओ यारो खेले कूदे हम, लेकर डांगे मार छलांगे कूद पड़ेंगे धम। ठीक है भाई, तुम सब जाओ खेलो कूदो और दिल बहलाओ। तुझे भी तुम्हारे साथ खेलना चाहिए। नहीं भाई, मैं खेल में वक्त नहीं गुवाऊंगा, अगर मियाँ जी आ गए तो उन्हें क्या बताऊंगा। नहीं, तुझे हम जरूर खिलाएंगे और अगर तू राजी से नहीं चलेगा तो जबरन खींच कर ले जाएंगे। देखो भाई, अगर तुम मुझे सताओगे तो मुझे माँ दुर्गा भवानी की कसम, मैं मियाँ जी से कह दूंगा और तुम सब मार खाओगे। अबे ऐसे कैसे में जाए वो, हम तुझे कब से समझा रहे हैं, तू किसका भी कहना नहीं मानता। देखिए भाई साहब, जरा जुबान संभाल के और माँ दुर्गा भवानी की शान में बकवास मत कीजिए। देखते ही देखते जमात के सभी बच्चों और हकीकत में तहत छिड़ गई और बात हाथापाई तक पहुँचाई। सभी बच्चों ने बेकसूर हकीकत को मिलकर बहुत मारा पीटा, परंतु हकीकत टस से मस न हुआ और जय माँ भवानी जय माँ भवानी के नारे लगाता रहा। जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय माँ भवानी। अरे ये क्या शैतानी है,
मेरी क्या हाजिरी में इस बिचारे के साथ कैसी गीता तानी है। देखिए मियाँ जी, इन तमाम लड़कों ने मुझे मार मार कर सुझा दिया है और मेरा क्या हाल बना दिया है। अजी जनाब, इस खाना खराब ने हजरत रसूल जाति की शान में गाली निकाली निकाली है। मकतब भरी जमात, अकेला हिंदू बच्चा, डरता नहीं किसी से, हकीकत मन का सच्चा, हकीकत मन का सच्चा। हकीकत की शिकायत बेकार है और तुम्हारा इतना जोरदार है, क्या देखते लड़को, इसे पकड़ लो और इसे काल कोठरी में डाल दो। उन दिनों इस्लाम की तौहीन करने वालों को मौत की सजा सुनाई जाती थी या उनका धर्म परिवर्तित कर उन्हें इस्लाम जबरन कबूल करवाया जाता था। मुल्ला ने काजी के पास हकीकत की जोरदार शिकायत की और धर्म की तौहीन के लिए उसका सकलम कर देने की बात की और मामला आमिर बेग की अदालत में जा पहुंचा। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अधिकारी साहब, आज अदालत में क्या मामला लाए हो? ले लीजिए हुक्म। आमिर बेग ने सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फरमाया। मुल्ला साहब का फरमाना वजह है। काजी साहब रहम कीजिए, हमारे इस बेगुनाह बच्चे को छोड़ दीजिए। 14 साल का बालक एक हकीकत था, जंजीरों में जकड़ा खड़ा दरबार में था। सुन हकीकत, क्या इस्लाम कबूल, क्या इस्लाम कबूल, रहना है जिंदा तुझको या मरना है कबूल, या मरना है कबूल। सुन काजी, तू कहता है कर लू इस्लाम कबूल, कर लू इस्लाम कबूल, कर लू इस्लाम कबूल। धर्म जिस जीने से खो जाए वो जीना है फिजूल, धर्म जिस मरने से जी जाए वो मरना है कबूल, वो मरना है कबूल, वो मरना है कबूल। क्या देखते हो, कर दो सर इसका कलम, गुस्ताख को मारो करो फितने को खत्म, गुस्ताख को मारो करो फितने को खत्म। अगले ही पल वो सर हुआ जुदा तन से, अगले ही पल वो सर हुआ जुदा तन से, एक धुन सी उठ रही थी फिजा से, एक धुन सी उठ रही थी फिजा से। धर्म की राह में मर जाते हैं मरने वाले, धर्म की राह में मर जाते हैं मरने वाले, मर के जी उठते हैं जी जान से गुजरने वाले, मर के जी उठते हैं जी जान से गुजरने वाले। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। वीर हकीकत अमर रहे, वीर हकीकत अमर रहे, वीर हकीकत अमर रहे।